2018 का मॉडल है, 155,000 रुपये आस्किंग प्राइस है। ये है रॉयल एनफील्ड की तरफ से हिमालयन, और हिमालयन का ये जो मॉडल है 2019 का सितंबर का मॉडल है, 16,000 किलोमीटर चली हुई है। ठीक है, पैशन का अगर हम बात करें, पैशन प्लस 2020 का मॉडल है सितंबर, 13,000 किलोमीटर चली हुई है, 45,500 रुपये इसका आस्किंग प्राइस है। ली है पल्सर जो कि ऑरेंज कलर में है, 2021 का जुलाई का मॉडल है। ठीक है, जो कंडीशन है वो A1 कंडीशन आपको देखने को मिलने वाली है। टायर की कंडीशन देख लीजिए, चाहे बॉडी कंडीशन देख लीजिए, शाइन कितना कर रहा है। 2022 अक्टूबर का मॉडल है, ब्लैक एंड जो नियॉन कलर है उसका कॉम्बिनेशन है इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। ट्यूबलेस टायर वगैरह सब है, क्वालिटी आप देख लीजिए, कंडीशन देख लीजिए बाइक की कैसी लग रही है आपको। तो ये है एक और बाइक जावा की तरफ से, जो कि है 2021 का मॉडल, अगस्त का, 7,000 किलोमीटर चली हुई है मात्र, और इसका जो आस्किंग प्राइस है वो 66,500 रुपये है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर्स गुरु, और जब फिर से नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार हम फिर से मोटरसाइकिल वर्ल्ड सुभाष नगर के अंदर आ चुके हैं, और सेकंड हैंड का काफ़ी बढ़िया भरमार स्टॉक लेके आए हैं आप सभी के लिए। आज की इस वीडियो में आपको रॉयल एनफील्ड की बुलेट, हिमालयन, होंडा की CB350, R15, KTM बहुत सारा स्टॉक देखने को मिलने वाला है। सो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस बढ़िया वीडियो को। सो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले होंडा से। तो होंडा की CB350 आपको देखने को मिलने वाली है RS, और ये वाला जो मॉडल आपको अभी देखने को मिलने वाला है ये 2021 का मॉडल है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ 9,600 किलोमीटर चला हुआ है। इसका जो आस्किंग है वो 1,82,000 रुपये इसका आस्किंग प्राइस है। गाड़ी की जो कंडीशन है वो A1 कंडीशन आपको देखने को मिलने वाली है। टायर की कंडीशन देख लीजिए, चाहे बॉडी कंडीशन देख लीजिए, शाइन कितना कर रहा है। तो बहुत ही बढ़िया कंडीशन में आपको ये बाइक देखने को मिलने वाली है। धमाकेदार वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ऐसी ही चमचमाती हुई बाइक्स आपको देखने को मिलने वाली हैं आज की इस वीडियो में आपको। तो सेकंड मॉडल पे चलते हैं, जो कि है रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350, और इस पर आप जाएंगे तो स्टैंडर्ड वाला मॉडल है 2020 का सितंबर का, 15,000 किलोमीटर चली हुई है, और इसका जो आस्किंग प्राइस है वो 1,45,000 रुपये है। और कंडीशन देखो भाई बाइक की कितनी ज़बरदस्त है, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में आपको देखने को मिलने वाली है ये बाइक। स्पोक्स व्हील्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा है हमारी इस वीडियो की थर्ड बाइक, जो कि है बुलेट हंटर। ठीक है, हंटर 350 है ये, देख सकते हैं आप। और बॉडी की कंडीशन देखो सबसे पहले तो भाई, और टायर कंडीशन देख लो, क्वालिटी देख लो कैसी है, चमचमाती हुई शाइनिंग में आपको देखने को मिलने वाली है। ब्लैक कलर है प्लस रेड एंड ब्लैक की कॉम्बिनेशन के साथ सीट्स इसकी बना रखी है इन्होंने अलग से। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे जो इसका प्राइस है वो कितना है, तो भाई 1,68,000 रुपये इसका प्राइस है। लगभग 8,000 किलोमीटर से थोड़ा सा अप चली हुई है, 2023 का मॉडल है ये। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं R15 पे। तो ये है R15 जो कि मॉडिफाइड है, तो थोड़ा बहुत इसमें मॉडिफिकेशन की गई है। बाकी क्या बोलते हैं, अगर आप देखोगे टायर कंडीशन वगैरह वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, बॉडी कंडीशन भी आपको अच्छी देखने को मिल रही है। ठीक है, और ये वाला जो मॉडल है ये आपको कॉस्ट करने वाला है 1,45,500 रुपये नेट, और 9,600 किलोमीटर चली हुई है ये, और ये 2020 जैन का मॉडल है R15। ठीक है, सो ये आपको देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा ये है रॉयल एनफील्ड की तरफ से हिमालयन, और हिमालयन का ये जो मॉडल है ये 2019 का सितंबर का मॉडल है, 16,000 किलोमीटर चली हुई है, 1,65,000 रुपये इसका आस्किंग है। सो कंडीशन काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर हम चलते हैं इस साइड से, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो एवरेज प्लस एक मिड लेवल की बाइक आपको देखने को मिलने वाली है। अगर हम बात करें इस बाइक की, तो ये है FZS, 2022 का मॉडल है सितंबर का, 5,000 किलोमीटर चली हुई है, 1,08,000 रुपये इसकी आस्किंग प्राइस है। उसके बाद अगर हम चलते हैं सेकेंड वन में, ये है हीरो की एक्सट्रीम, और इसका जो प्राइस है वो 78,000 है डिमांड जो है। ठीक है, और अगर हम बात करें इस मॉडल की, तो यह है 2021 का मॉडल फैब का, 21,000 किलोमीटर चली हुई है। उसके बाद यहाँ पे खड़ी है तीसरा जो मॉडल है, ये भी आपको देखने को मिलने वाला है यामा की तरफ से, यामा का FZ 2022 का अगस्त का मॉडल है, 1,18,000 की इसकी आस्किंग प्राइस है, 2022 का मॉडल है, ब्लैक कलर है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक थोड़ा सा एवरेज की सेगमेंट में अगर हम जाएंगे तो पैशन आ जाती है। ठीक है, पैशन का अगर हम बात करें, पैशन प्लस 2020 का मॉडल है सितंबर, 13,000 किलोमीटर चली हुई है, 45,500 रुपये इसका आस्किंग प्राइस है, ब्लू कलर है। ये इसकी कुछ कंडीशन इस तरह की है जो आप देख सकते हैं वीडियो में। बाकी इसके अलावा अगर हम जाएं तो ये वाला एक और मॉडल एवरेज कंडीशन में हीरो की तरफ से आपको देखने को मिलने वाला है पैशन, 2020 का मॉडल है सितंबर का, 13,000 किलोमीटर चली हुई है, 53,500 रुपये इसका आस्किंग प्राइस है। उसके बाद ये है हमारे पास एक और मॉडल जो कि आने वाला है होंडा की तरफ से, होंडा की SP,
125 सीसी के अंदर है, 2023 का मार्च का मॉडल है, 10,000 किलोमीटर चल चुकी है, 87,500 इसका आस्किंग प्राइस है। सीट वगैरह इसमें थोड़ा मॉडिफाई करा रखी है कस्टमर ने, बाकी कंडीशन बिल्कुल A1 आपको देखने को मिलने वाली है। ये है इसके टायर की कंडीशन, बाकी बॉडी कंडीशन जो है जेन्युइन आपको देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा ये है आपके पास SP शाइन 2021 का मॉडल है, 8,000 किलोमीटर चली हुई है, अप्रॉक्सीमेटली इसका जो आस्किंग प्राइस है 78,500 इसका आस्किंग प्राइस है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है पल्सर, जो कि ऑरेंज कलर में है, 2021 का जुलाई का मॉडल है, अप्रॉक्सीमेटली 14,000 किलोमीटर चली हुई है और जो इसका आस्किंग प्राइस है वो 87,500 है। उसके बाद यहाँ पे एक एवरेज वाली फिर से शाइन आ जाती है होंडा की तरफ से, 2022 का मॉडल है, 807,000 के अप्रॉक्सीमेटली किलोमीटर चली हुई है और जो इसका आस्किंग प्राइस है वो 72,500 रुपये है। ये है इसकी बॉडी कंडीशन। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक बार होंडा की SP आपको देखने को मिलने वाली है, 125 सीसी, 2022 का मॉडल है, 8,800 किलोमीटर चली हुई है, आस्किंग प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 82,500 इसका आस्किंग प्राइस है। उसके बाद यहाँ पे है हीरो की तरफ से आपको देखने को मिलने वाली है डुलेक्स और इसका जो प्राइस है 64,500 रुपये में आपको देखने को मिल जाएगी ये वाली बाइक, मात्र 4,000 किलोमीटर चली हुई है, 2022 मई का मॉडल है। उसके बाद यहाँ पे एक वाइट कलर सुपर स्प्लेंडर प्लस आपको देखने को मिलने वाली है हीरो की तरफ से, 2022 का मॉडल जून का और ये किलोमीटर चली हुई है लगभग 12,000 से 14,000 के आसपास अंदर चली हुई है। प्राइस की अगर बात करें तो 76,500 रुपये इसका नेट आस्किंग प्राइस है। कंडीशन कुछ इस तरह की है, इसके टायर की प्लस बॉडी कंडीशन आप देख सकते हैं। उसके बाद हीरो की तरफ से ही एक और स्प्लेंडर प्लस आपको देखने को मिलने वाली है, ये है 2021 का दिसंबर का मॉडल है, 7,000 किलोमीटर चली हुई है मात्र और इसका जो आस्किंग प्राइस है वो 66,500 रुपये है। उसके बाद अगर हम जाएँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है 2022 का मॉडल पैशन और 17,000 किलोमीटर चली हुई है, 66,500 रुपये इसका आस्किंग प्राइस है। देन उसके बाद यहाँ पे आ जाती है लीवो, होंडा की तरफ से लीवो आ जाती है 2022 का मॉडल जुलाई का और ये चली हुई है लगभग 16,000 के अप्रॉक्सीमेटली चली हुई है। उसके अलावा इसका जो आस्किंग प्राइस है वो 61,500 रुपये आस्किंग प्राइस है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है TVS की तरफ से रेडियन, सो ये जो रेडियन है 2022 नवंबर का मॉडल है, ये इसकी कुछ बॉडी कंडीशन है। अगर हम बात करें इसका प्राइस का लगभग 58,500 रुपये इसका आस्किंग है और 5,300 किलोमीटर चली हुई है। सो ये है HF Deluxe हीरो की तरफ से और 2021 का मॉडल है, 4,000 किलोमीटर चली हुई है, 49,500 इसका आस्किंग प्राइस है। उसके बाद रॉयल फील्ड की तरफ से आपको देखने को मिलने वाली है थंडरबर्ड 350, जो कि काफ़ी बढ़िया मॉडल है, क्रूजिंग के लिए अगर कोई प्लान कर रहा है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। इसका जो प्राइस है वो आपको देखने को मिलेगा 1,05,000 रुपये का प्लस 12,000 रुपये, 12,000 किलो इसका जो आस्किंग प्राइस है वो है 1,05,000 रुपये प्लस चली हुई है जो गाड़ी है लगभग 12,000 किलोमीटर चली हुई है, 2017 का मॉडल है अक्टूबर का। सो कंडीशन कुछ इस तरीके से की है इसकी, बॉडी कंडीशन एंड टायर कंडीशन आप देख सकते हैं, अलॉय इसमें लगे हुए हैं, मॉडिफिकेशन कर रखी है। उसके बाद पीछे आपको देखने को मिलने वाली हैं कुछ बाइक्स जो कि काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम बाइक की बात करें तो ये आपको देखने को मिलने वाली है सुजुकी की तरफ से जिक्सर, ठीक है, इसका जो आस्किंग प्राइस है वो 93,500 है, 18,000 किलोमीटर चली हुई है, 2020 जुलाई का मॉडल है, ठीक है। यहाँ पे एक और जिक्सर खड़ी है, इसका अगर हम देखें आस्किंग प्राइस कितना है तो ये है 1,17,000 और 8,000 किलोमीटर चली हुई है, 2022 अक्टूबर का मॉडल है, ब्लैक एंड जो नियॉन कलर है उसका कॉम्बिनेशन है इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद बजाज की तरफ से आपको एवेंजर देखने को मिलने वाली है, ये एवेंजर जो है ये 2022 का मॉडल है, 4,000 किलोमीटर चली हुई है, अगर आस्किंग प्राइस की बात करें तो 1,15,000 रुपये इसका आस्किंग प्राइस है, स्पोक्स व्हील वाली आपको देखने को मिलने वाली है। उसके बाद जावा की तरफ से आपको देखने को मिलने वाला है 2020 का मॉडल नवंबर का और ये जो बाइक है इसका जो आस्किंग है वो 1,18,000 रुपये आस्किंग है। अगर हम बात करें किलोमीटर कितनी चली हुई है तो 16,000 किलोमीटर चली हुई है बाइक, ठीक, कंडीशन काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये है एक और बाइक जावा की तरफ से जो कि है 2021 का मॉडल अगस्त का और 7,800 किलोमीटर चली हुई है, 1,38,000 रुपये इसका आस्किंग है, स्पोक्स व्हील के साथ आपको देखने को मिलने वाली है। प्लस ये जो खाकी कलर है ये काफ़ी प्यारा कलर है इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, शाइनिंग में है ये कलर काफ़ी अच्छा। उसके बाद रॉयल फील्ड की तरफ से आपको देखने को मिलने वाली है 350 सीसी के अंदर रॉयल फील्ड क्लासिक 2020 मॉडल फैबगा, 3500 किलोमीटर चल रही है मात्र, 1,68,000 रुपये इसका आस्किंग प्राइस है, बढ़िया अलॉय लगे हुए हैं, लेग गार्ड लगा हुआ है, काफ़ी बढ़िया कंडीशन में आपको देखने को मिल जाएगी और मात्र 3500 किलोमीटर चल रही है, 2020 का मॉडल है। उसके बाद यहाँ पे आपको थंडरबर्ड देखने को मिलने वाली है 500 सीसी,
भाई 500 सीसी आप देखने को मिलेगी। अगर आप 500 सीसी के शौकीन हैं, पावर के शौकीन हैं, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 500 सीसी। इसका जो प्राइस आपको देखने को मिलने वाला है मात्र 88,500 रुपये आस्किंग है। 2016 का मॉडल, 5,000 किलोमीटर चली हुई है मात्र, तो काफ़ी बढ़िया कंडीशन में आपको देखने को मिल जाएगी ये। उसके अलावा एक और रॉयल इनफील्ड की बाइक जो कि आपको देखने को मिलने वाली है, क्लासिक 350, 19 का मॉडल, जुलाई का, 8,000 किलोमीटर चली हुई है, 153,500 रुपये आस्किंग है। बढ़िया अलॉय लगे हुए हैं, ट्यूबलेस टायर वगैरह सब है। क्वालिटी आप देख लीजिए, कंडीशन देख लीजिए गाड़ी बाइक की कैसी लग रही है आपको। उसके अलावा मीटर भी दिखा देता हूँ, 8,096 किलोमीटर चली हुई है, तो भाई जेन्युइन आपको रनिंग देखने को मिल जाती है। उसके अलावा इसकी आप मीटर वगैरह भी चेक करवा सकते हैं, सर्विस रिकॉर्ड चेक करा सकते हैं। यहाँ पे एक और रॉयल इनफील्ड की आपको बुलेट 350 देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसका आस्किंग प्राइस है 1,45,000 रुपये, 8,000 किलोमीटर चली हुई है, 2021 का नवंबर का मॉडल है इलेक्ट्रा। सो काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगी, बॉडी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। अभी के टाइम पे 350 सीसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है रॉयल इनफील्ड की बाइक्स की, बुलेट्स की। सो ये कुछ ऑप्शन आपके पास काफ़ी अच्छे हैं। सो गाइस ये है 2023 का मॉडल क्लासिक 350 आपको देखने को मिलने वाली है। 2023 का मॉडल है जुलाई का और 2200 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली चली हुई है, 210,000 रुपये इसका आस्किंग प्राइस है। तो ये इसकी कुछ कंडीशन है, काफ़ी बढ़िया कलर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपको एक स्टैंडर्ड देखने को मिलने वाली है जो कि 2018 का मॉडल है, 1,55,000 रुपये आस्किंग प्राइस है, कंडीशन काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। सो ये वाला मॉडल आपको स्टैंडर्ड में देखने को मिलेगा। उसके अलावा डोमिनार है यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है जो कि 2021 का मॉडल है, जून का, 10,000 किलोमीटर चली हुई है, 1,43,000 रुपये इसका आस्किंग प्राइस है। ये कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद KTM आपको देखने को मिल जाएगी। KTM की आस्किंग प्राइस देखें तो 2,05,000 रुपये है और लगभग 7,500 किलोमीटर की अप्रॉक्सीमेटली चली हुई है, 2022 का मॉडल है। और ये जो आपको देखने को मिलेगी 200 सीसी आपको देखने को मिलने वाली है RC, ठीक है। ऑरेंज कलर के अलॉय, ऑरेंज गाड़ी, काफ़ी बढ़िया सिल्वर एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप फाइनेंस के लिए चाहते हैं कि आपको इनमें से कोई बाइक फाइनेंस हो जाए, तो डाउन पेमेंट जो रहने वाली है, अगर आप बात करें 50,000 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली किसी बाइक की, तो उसका जो डाउन पेमेंट रहेगा 10,000 से 15,000 रुपये रहने वाला है। अगर आप जाएंगे 1,00,000 रुपये तक की बाइक की, तो वहाँ पे आपको जो डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी वो 20,000 से 25,000 रुपये देनी पड़ेगी। अगर आप जाओगे 1,00,000 से ऊपर, 1.5 लाख, 2,00,000 रुपये की बाइक लेने के लिए, तो वहाँ पे आपको 30,000 से 40,000 से 50,000 रुपये तक डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं तो आपको दिल्ली का गारंटर चाहिए होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, तभी आपको फाइनेंस होगा, अदरवाइज फाइनेंस नहीं होगा। उसके अलावा आप अगर किसी क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर आप अगर अपने बैंक के थ्रू लोन करा के डिसबर्स करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ आपको NOC वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, सारा क्लियर कट जो भी होगा सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप सभी को मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कोई भी बाइक पसंद आती है तो एक बार शोरूम पर जरूर विजिट करें, सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग ना कराएं, कहीं पर भी ट्रांसफ़र मनी ना करें, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई बाइक पसंद आ रही है, शोरूम पे आइए, डॉक्यूमेंट चेक करिए गाड़ी के, चला के देखिए, ये सब कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा काम है सिर्फ आप सभी तक इन सभी बाइक्स के प्राइस लेके आना कि हाँ जो मार्केट का रेट है वो क्या चल रहा है, जो बेस्ट वैल्यू है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेगोशिएशन वगैरह आप कर सकते हैं, आपके लिए ओपन है, मतलब सब कुछ ओपन है, तो वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा सिर्फ काम है आप सभी को अवेयर करना कि भाई अगर आप प्लान कर रहे हो तो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करना। प्राइसिंग मैंने आप सभी को बताई दी है, आई होप जो इतनी वीडियो मैंने बनाई है, थोड़ी सी लंबी हुई होगी, बट डिटेल वाइज मैंने इस वीडियो में एवरेज बाइक, स्पोर्ट्स बाइक, बुलेट प्लस KTM वगैरह सब कुछ बताया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।